हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सन 2002 में संशोधन के समय निम्नलिखित में से किस धारा को संशोधन किया? तो आपको याद रखना है धारा 106 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है किसी अपंजीकृत विक्रय की संविदा के अंतर्गत कब्जाधारी हस्तांतरिति पर किसी कार्यवाही का अधिकार प्रदत्त नहीं है। संपत्ति अंतरण 1882 की किस धारा में यह सिद्धांत अंतर्निष्ठ है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 53A में। क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर चार कहता है निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है? तो आपको याद रखना है मध्यवर्ती लाभ का दावा। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है निम्न में से कौन कृषिक पट्टे की किस्म नहीं है? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वृक्षों से फलों को इकट्ठा करने का पट्टा। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है संपत्ति के पुनः अभिहस्तांतरण के साथ करार जोड़ते हुए प्रत्येक विक्रय सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं होगा, यह अभिकरण संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धारा 58 से। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको याद रखना है यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मोचन के अधिकार बंधक ग्रहिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आठ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ कहता है कि निम्न में से कौन दान का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अंतरण प्रतिफल सहित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक का पट्टा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, पक्षकारों द्वारा इकरारनामा लिख देने से कारगर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से कौन सा वाद कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मुसाहर साहू बनाम हकीम लाल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2 एवं 4, मतलब दो चीजों का विनिमय और अचल संपत्ति पर विधि की क्रिया द्वारा भार की रचना। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन से बंधक में बंधककर्ता बंधक धन के भुगतान हेतु स्वयं को व्यक्तितः आबद्ध करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, सादा बंधक में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, 1, 2 और 3, मतलब मोचन कराने का अधिकार, एक झोपड़ी और बंधक ऋण। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। एक नगर पालिका संकल्प द्वारा एक्स एवं वाई को एक भूमि पर निर्माण के अधिकार सहित आधिपत्य इस शर्त के साथ देती है कि पट्टे की समाप्ति के उपरांत निर्माण नगर पालिका का हो जाएगा। एक्स एवं वाई शर्त स्वीकार कर भूमि पर निर्माण कर लेते हैं। इस संकल्प एवं स्वीकृति के प्रभाव से क्या निर्मित होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, पट्टा निर्मित होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पुरोबंध का उपचार निम्नलिखित बंधकों में से किसमें उपलब्ध है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता है। इस सूत्र का अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किन धाराओं में समाहित किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 41 एवं 43 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि कौन सा अधिकार बंधकदार का है और ना कि बंधककर्ता का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, पुरोबंध का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दान के संबंध में यदि आदाता प्रतिग्रहण करने से पूर्व मर जाता है तो। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, दान शून्य है।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में सन 2002 में संशोधन किया गया था? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, धारा 106 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, वह सिद्धांत जिसके अनुसार अंतरणकर्ता को पश्चातवर्ती अधिग्रहित संपत्ति को ऐसे अंतरिति को परिदान करना आवश्यक है जिसने उसके मिथ्या व्यपदेशन पर कार्य किया है तथा जो उसे प्राप्त नहीं हो सका उसके लिए धन भुगतान कर स्वयं को क्षति पहुंचाई है कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण। आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।